हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जी हाँ, मैं आपको सामने जो प्रोफाइल दिखा रहा हूँ वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अब आने वाली फिल्म है बाबू मोशाय बंदूकबाज। आप सोचते होंगे मैं ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से क्यों बना रहा हूँ वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके, उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि पोस्टर जो इसका फर्स्ट पोस्टर रिलीज़ हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं कुशन नंदी और बाबू मोशाय बंदूकबाज का नाम है। चलिए देख लेते पोस्टर किस तरह का है और पोस्टर्स के हिसाब से हम बात करेंगे फिर क्या सीन है। तो एक स्ट्रॉन्ग वे में अगर ध्यान दे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन एज बंदूकबाज, और उसके बाद अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इस पर ध्यान दे के स्मोली स्लोली तो बैंगिंग दिस समर, यानी कि समर में आ रहा है उड़ाने के लिए, यानी कि मतलब घोड़े से उड़ाने के लिए, यानी कि बंदूक से। अब आप पोस्टर पे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा चलो इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लें इस पोस्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉमेडी फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ, 5 कॉमेडी फैक्ट्स आप समझ लीजिए इस पोस्टर के हिसाब से, या जो भी समझ लीजिए। आप देखोगे तो ये जो जगह है यंग टाइप जगह, क्योंकि आसपास में बबूल के झाड़ आपको दूर दूर तक थोड़े बहुत दिखते होंगे और पूरा रेगिस्तान है। और साथ ही दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ इस पर तो आप देखोगे पहली बार इंडियन सिनेमा में, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो बॉलीवुड में वो भी स्पेशली, कोई बंदे को बाथरूम ले जाते हुए डब्बे ले जाते हुए दिखाया नहीं होगा, एटलीस्ट पोस्टर में तो नहीं दिखाया होगा। फिल्म में कभी गलती से दिखा दिया तो अलग बात है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कॉमेडी। चप्पल पहने हुए हैं नाजुन भाई, ठीक है, वो भी पैरागॉन चप्पल लग रही है एकदम। अब तीसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है उनका हाथ किधर जा रहा है, और इस तरह का पोज़र थोड़ा सा अजीब लगेगा। चौथा चीज़ आप ध्यान दोगे तो ये बंदूक है जो पिछवाड़े में रखे है, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है डायरेक्टर का थिंकिंग कि बाबू मोशाय बंदूकबाज नाम अच्छा दिया, मतलब कहीं पे भी लेके जाओ जाएगा ये बंदा तो बंदूक लेके ही जाएगा। जैसे पोपटलाल कहीं पे भी जाता है, तारक मेहता गोल्डन चश्मा छाता जरूर लेके जाता है, तो सेम उसी तरह। और उसके बाद ये जो आप देखोगे रेडियो है, और ये रेडियो आपका नहीं है, ये आपको बता देता हूँ लॉजिक लगता है, अभी का रेडियो नहीं है, अभी इस तरह के रेडियो नहीं आते जो इतने बड़े एंटीना, कम से कम 15-20 साल पहले की बात है ये, और उस टाइम में इस तरह का रेडियो होता था। तो इसका मतलब स्टोरी पुरानी है, राइट। तो ये पांचवी चीज़ है, तो ये पांच इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप नज़र में रख सकते हो, ध्यान दे सकते हो, यानी कि फिल्म की कहानी थोड़ी सी उस समय की ज़रूर होगी, पुरानी ज़रूर होगी, या तो फिर किसी पे बेस्ड होगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब ओवरऑल पोस्टर देख लेते हैं एक साथ ही, ओवरऑल पोस्टर बाबू मोशाय बंदूक बस का सही है, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। इस पोस्टर वापस से देख लेते हैं, तो ये पोस्टर है फुल स्क्रीन पे, तो बहुत अच्छा है, फिल्म भी बहुत अच्छी उम्मीद है होने की। और इसकी जहाँ तक बात करते नीचे अब जाके देख लेते हैं, इसका रिलीज़ डेट के बारे में आई थिंक नहीं बताया है, लेकिन आपको जल्दी बता दूंगा इसकी रिलीज़ डेट आखिर कब है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब जल्दी होने वाली है इसकी रिलीज़। तो कुछ बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पता चली तो आपको बताऊँगा। आपको कैसा लगा सिद्दीकी का ये पोस्टर आप जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।